श्री कृष्ण ने बताया कलयुग के 5 सच। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा होगा कलयुग। दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना होगा। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग सभी समस्त विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव को सीख ले सकता है और यह प्रसंग उस वक्त का है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, अभी द्वापर का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी और कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा और श्री कृष्ण ने आखिर क्या जवाब दिया, जानिए अगले पन्नों पर एक रोचक प्रसंग। दोस्तों, युधिष्ठिर ने देखा कि जब युधिष्ठिर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थी, जिसको देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन जब वन में गए तो उन्होंने दूर जंगल में एक आश्चर्यजनक पक्षी देखा, जिस पक्षी की पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, पर फिर भी वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। भीम ने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहू लुहान हो गया है। सहदेव ने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उसे देखकर सहदेव आश्चर्यचकित हो गया। और नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आ रही है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उसके नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक नहीं पा सके हैं और इसके अलावा वह शिला कितनी भी अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी वह रुकी नहीं और अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श ही उसे स्थिर कर गया। पांचों भाइयों ने अपने देखे हुए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा आश्चर्यजनक था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा और इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने तो देखा, वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में लोग ऐसे रहेंगे जो बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम में हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उसकी जगह चढ़ जाए। चाहे कितने ही बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि हमेशा धन और ऊंचे पद पर होगी, यानी मांस पर होगी। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहू लुहान हो गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा।
कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म कर देंगे और अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है और तुम उन्हें शाश्वत संबंध को जान लो। वहीं भीम के बाद सहदेव ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने यह देखा कि 5-6 भरे हुए कुओं के बीच में एक कुआ एकदम खाली है, जबकि कैसे संभव हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में धनाढ्य लोग लड़का लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो वह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास के झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्यजनक चीज देखी। वह यह है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती, वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर ही चट्टान रुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। वह पतित जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगी, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगी, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन करने से मनुष्य अपने जीवन का पतन रुक जाएगा और श्रीमन नारायण नारायण के उसमें उसे जरा से कष्टों में ही भगवान प्राप्त हो जाएंगे। यह है कलयुग का असली सत्य, जो भगवान श्री कृष्ण से आज से 5000 वर्ष पूर्व ही पांडवों को बता दिया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।